पहले तो आप लोग क्या करोगे, इनकी कामयाबी पर एक बार जोरदार तालियां बजाओगे ना। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको आपका इंट्रोडक्शन देना कि मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है, मैं सतनगढ़ी का रहने वाला हूँ। मेरी यहाँ पहले कोचिंग भी की थी, यहीं पे की पहली बार, और मेरी कोई ऐसी हालत नहीं थी कि मैं यहाँ पे मतलब कि पढ़ाई करके सभी मेरे साथ वाले स्टूडेंट बोलते थे कि तू नहीं पढ़ सकता, ये नहीं हो सकता। तो आप ये बताओ कि सबसे पहले आप अभी काई में आपका सिलेक्शन हुआ है, आर्मी में। अच्छा, आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, इंडियन आर्मी की किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ आपका? जीडी। अच्छा, जीडी की पोस्ट पर, फिर तो एक बार वो तालियां हो जाए सभी ने ना। मतलब ये इंडियन आर्मी की जीडी की पोस्ट पर सैनिक बने, बात समझ में आना। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई आप इससे पहले भी कहीं पर कोचिंग कर चुके थे 2-5 साल, या फिर पहली बार आप फिजिकल पास करने के बाद यहाँ पर आए थे, क्या कंडीशन थी, आप इनको बताओ जोर से सबको। मैं ऐसे ही रनिंग करता था, कहीं भी नहीं की कोचिंग वगैरह मैंने, यहीं पे ग्राउंड में फील्ड में दौड़ता था। कुछ दोस्त भी दौड़ते थे साथ में, जिनकी टाइमिंग अच्छी आती थी वो हंसते थे मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी भी टाइमिंग अच्छी आती थी, लेकिन 100 मीटर हर जगह रुक जाता था मैं, अच्छा दौड़ता भी था और फिर 100 मीटर आके रुक जाता था, तो सभी बोलते थे कि तू नहीं लगेगा। मेरे साथ वाले सभी हंसी उड़ाते थे। हंसी उड़ाते थे सभी लोग आपकी? बिल्कुल, हंस से ज़्यादा मतलब परेशान थे, इस वजह से थका था मैं कुछ, तो बस थोड़ा जज्बा होना चाहिए अंदर। एक तो एग्ज़ाम में ऐसी कंडीशन थी, ये दीदी भी है, इनको पता ही है, मैं जोड़ घटाऊँ भी मेरे को पता नहीं था बिल्कुल। तो फिर सर ने मेरे को हौसला दिलाया, वरना मैं खूब रोता था कोचिंग पे बैठ कर भी, पर सर ने दीदी ने सभी ने। आपको किसने बोला था कि आप उत्कर्ष एकेडमी को ज्वाइन करो भाई, इस कोचिंग पे ऐसा क्या भरोसा था कि आपका यहाँ से सिलेक्शन ही हो जाएगा, ऐसा आपको किसने बोल दिया था? हो सकता है कि आप ये भी तो समझते कि यार ये तो लोकल की कोचिंग है, आप इंदौर भोपाल में फिजिकल निकाल के तो बच्चे कहाँ जाना चाहिए, कोई इंदौर जाना चाहिए, कोई भोपाल जाता है, कोई दिल्ली जाता है, आपके मित्र भी बहुत सारे बाहर गए हुए थे, ठीक है, लेकिन आप किस हौसले के साथ, किस विश्वास के साथ यहाँ पर रुके थे, आपको किसने बताया था, कैसा लगा था यहाँ आने के बाद? आप लोगों ने मतलब आपने डेमो भी किया होगा यहाँ पर आने के बाद पढ़ाई का, कि यार कैसा माहौल है, क्या आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सब कैसे हुआ आपके साथ? मैं यहाँ पे क्यों रुका, क्योंकि सर ने मेरे को प्यार से बिठा गए, जैसे घर से एक बड़े भाई की तरह, मतलब कि प्यार से, जैसे घर ने मम्मी पापा बताते ऐसे बताया, तो जो प्यार से बताते वो हर चीज़ समझ में आती है। अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोचिंग आ रहे हो तो ऐसे ऐसे घूम रहे हो, तो ये नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान भी दो। मैं ध्यान भी देता, पढ़ता भी था दीदियों से। अच्छा, तो आप बताइए फिर मुझे कि आप कितना टाइम रोज पढ़े हो, जब आपकी एग्जाम थी आपका फिजिकल निकल चुका था, तो आप कितने घंटे रोज रेगुलर पढ़ते थे, कितने टाइम कोचिंग पर रुकते थे और घर पे जाके कितना पढ़ते थे? बहुत बार आपको बीच बीच में ऐसा भी लगता था कि सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आपको हौसला दिलाया जाता था कि नहीं भाई सब होगा, हौसला रखो और मेहनत करो दिन रात, भगवान को भी उतर के आना पड़ेगा मेहनत के आगे, है ना? ऐसा मैं आपको बोलता था। तो आप बताओ मुझे कितना टाइम यहाँ रुकते थे आप कोचिंग पर? मैं सुबह 7 से शाम को 8 बजे जाता था यहाँ से, मतलब ये, और बीच में सिर्फ खाना खाने जाते थे, बाकी नाइट में भी बैठकर क्या करते थे? नाइट में पढ़ते थे। और इनको ये बोला गया था कि आपको जो भी डाउट आए XYZ आप हमसे क्या करो, यहाँ पर क्लियर करो, जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्लियर करो। लेकिन जब इनका आखिरी रिजल्ट आया ना, उस टाइमिंग में कितनी खुशी थी, आप बताओ कैसा लग रहा था जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन कैसे लगे आप? बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे जब रिजल्ट आया, तब तो मैं भोपाल ही चला गया था 3 दिन पहले ही कि रिजल्ट आ रहा है, तो उस दिन आए नहीं, तो फिर घर बक्का आ गया था, फिर राजगढ़ को जालपाजी के पास आ रहा था तब पता चला, तो वैसे उतर के पैदल दौड़ के गया, मैं 1 मिनट में चढ़ चुका था मैं वो गाड़ी जालपाजी की, इतनी खुशी थी मतलब बहुत खुशी होती है जब हद से ज़्यादा, यानी इनको पास करते हैं मतलब, और इनकी मंजिल को जब इनको पार आया तो मतलब इतनी एक ही लक्ष्य था लाइफ में बस मेरा, दिखाई दिया ठीक है, और इनका एकमात्र लक्ष्य था कि इंडियन आर्मी, और ये खुद ये सोचकर कर रहे थे तैयारी कि मेरी पहली और आखिरी भर्ती। तो आप लोगों को मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ, इतिहास कौन रचता है ये बताओ पहले, जिसकी मजबूरी होती है ना वो इतिहास रचता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, आप इन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि इनको वाकई में कैसा धैर्य बनाकर तैयारी करना चाहिए, वाकई में मतलब बताओ धैर्य को खोना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, सिलेक्शन होता है नहीं होता है? सबसे पहले विश्वास खुद पर रखो, अगर आपको खुद पे विश्वास है तो फिर कोई चीज ये नहीं है कि नहीं हो सकती है। जिसकी मजबूरी होती है, जिसको कुछ नहीं आता है, वही सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है, और सीखता भी वही है, सावधानी भी वही रखता है मोड़ पे, समझ में आ रही ना? तो इनको आप क्या सीख देना चाहोगे आगे तैयारी करने के लिए? बस खुद पे विश्वास रखो और सही ध्यान से पढ़ो, और कुछ भी नहीं है। और ये है कि आप ये सोचोगे कि यार कुछ नहीं होता रहेगा, उसी टाइम पे करेंगे, उसी टाइम पे जैसे कुछ नहीं होगा,
बूंद बूंद से गढ़ा हुआ होता है। तो उसी प्रकार आप अभी से तैयारी करो तभी जाके आप सोचोगे नहीं फॉर्म डाल के फिर एक दो महीने में कर लूँ तो ऐसे नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप एक वैकेंसी आई है ना और आप लोग क्या कि आप फॉर्म भरा और अब तैयारी शुरू कर दो, तो दो महीने एक महीने में कुछ नहीं होता। पहले से आप अपने आप को इतना एक्टिव बना 100% ज्ञान लेकर बैठो ना, वैकेंसी तो आएगी उसकी जगह, उसकी डेट फिक्स है, वो एक साल बाद, दो साल बाद, आधे साल बाद वो तो आएगी आएगी, ठीक है ना। लेकिन आप उन एक महीने दो महीने में क्या कर पाओगे? मेरे को हाँ ज्वाइनिंग मिली इनको ये भी बता दीजिए। पहले थी मेरी अयोध्या के पास में, अच्छा राजपूत रेजिमेंटल सेंटर, भगवान के पास में थे है ना, जहाँ भगवान का जन्म हुआ ना उनके पास में, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग यूपी में उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश में हुआ है, योगी जी की है ना, आप जानते हो ना योगी जी को सभी, उत्तर प्रदेश है ना, तो वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है? श्री गंगानगर राजस्थान। अच्छा श्री गंगानगर राजस्थान, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इनकी रूनीजा के पास में। हाँ बिल्कुल वहीं पर, जहाँ रूनीजा आप जाते हो ना सभी लोग आपके घर वाले। हाँ ठीक है चल रहे वैसे मेरे पहले जो जगह आप। अच्छा उधर साइड इनका क्या हुआ है, वहीं पर पोस्टिंग हुआ है ना। हाँ तो अब वहाँ पर ये सेवा देंगे अपनी, ठीक है। तो अब आपको बढ़िया फील हो रहा है, बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हमारी जिंदगी सफल हो गई, बहुत है ना। तो आप लोग इनको भी यही कहना चाहोगे कि वाकई में अपनी मंजिल मिलने, मतलब ये मिल सकती है, मिल सकती है ना। हंसने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे अपने ऊपर के, ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर वो अच्छी मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं, वही निकलता है जो दिल से कि सिर्फ मेरे को करना है, मेरा एक ही ख्वाब था रात दिन में सोता था। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि यार लोकल में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब कहते हैं ना कि दौर के ढोल क्या होते हैं सुहावने होते हैं। तो अगर आपको इतिहास रचना है तो क्या वो इतिहास यहाँ पर से भी रचा जा सकता है? रचा जा सकता है सर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप मेहनत करते जाओ और आप इनको देखो, सीख लो इनसे, कहने का इसीलिए आपको कि आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर थोड़ी ऊर्जा है, आप लोग मोटिवेट हो। मंजिल को अगर पाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष बड़ा कड़ा करना पड़ेगा। पर इन्होंने क्या, अगर वो जिस टाइम इनका पढ़ने का था, काश अगर वो टाइम ये फालतू गवा देते तो बताओ आज यहाँ होते आपके सामने? बिल्कुल ना तो आपके सामने होते और ना इनकी जॉब लगती। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप अगर आर्मी में नहीं लग सकते हो तो बाकी आपको सरकारी जॉब मिलेगी नहीं, कोई भी मिल सकती है, संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ से है कि सभी चीज का यह हो रही है, लेकिन सभी चीज की मतलब ध्यान दे रहे सरकार हर जगह, भी शख्स से वैकेंसी में भी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसियों में यहाँ पर सिलेक्ट, मतलब लगभग लगभग कहीं किसी वैकेंसी होती है, कहीं का से बैच ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे हार जाते हैं, नहीं पढ़ते, मतलब अब ये तो बच्चों पर डिपेंड करता है, बाकी ब्रांच इंस्टीट्यूट वाले कोई कुछ नहीं कर सकते। बच्चे अगर ठान ले और मान ले कि हमें लेना है जॉब तो बिल्कुल मिल सकती है, तो एक बार तालियां बजा दो, ठीक है ना, फिर आपको डबल मिलवाएंगे जब आएंगे।